हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए फटाफट, 2000 बिहार जीके का सीरीज हमारा चल रहा है और इस सीरीज का ये हमारा नवा लेक्चर है। 8 लेक्चर पहले ही अपलोड कर दिया गया, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, जो भी क्वेश्चन बनाया गया है, वो डॉक्टर मनीष रंजन जी के द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर मनीष रंजन एक आईएएस ऑफिसर हैं जो कि अभी झारखंड में हैं। ओके, तो उन्हीं के द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए ये सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि करंट अफेयर का ईबुक हमारा लॉन्च हो गया है, तो आप भी यदि इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं, या ज़्यादा जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 800 तक हम लोग कर चुके थे, 801 से आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो पहला है यहाँ पे, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मिला है मुंगेर और नालंदा से। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है, मतलब कि कितनी एवरेज जो है वर्षा होती है बिहार में? तो ये होती है 1009 मिलीमीटर, 1009 मिलीमीटर, जिसमें अगर हम लोग सेंटीमीटर में बात करें तो 109 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ज़्यादा पूछा जाता है तो 109 आपको याद रखनी है। बिहार में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ये किया गया था खुदाबख्श खां के द्वारा। मौर्य काल में काश्तकार को क्या कहा जाता था? उपवास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ? इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है, 1996 में। देखिए जहाँ पे क्वेश्चन लगे कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं आपको टिक करते जाऊँगा, बताते जाऊँगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें, एक बार फिर से अच्छे से देख लें। अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1952, 1952 में गया संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसके बाद है, राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है? ये किया जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन, और ये क्वेश्चन जो है वो बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है सोन। ओके, सोन। सोन कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। अब चलिए ये बताइए कि सोन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? कमेंट में आप लोग बताइए, बहुत कम लोग कमेंट में आंसर बताते हैं। देखिए कमेंट में आंसर बताने से आपको ज़्यादा फायदा होता है, तो आप लोग बताइए कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूँ। सोन नदी कहाँ पे गंगा में मिलती है? बिहार में गर्म जल का प्रमुख केंद्र कहाँ है? गर्म जल निकलता है कहाँ से? राजगीर और मुंगेर में, राजगीर और मुंगेर में गर्म जल के स्रोत हैं। बिहार में गांवों की संख्या कितनी है? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, 39,073। ओके, संगीत में से संबंधित नगमत अस्फी का नाम की किताब किसने लिखी थी? मशहूर गायक रज्जा शाह ने। सिद्धेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? ये शिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। और देखिए इसमें एक्सप्लेन मेरा नहीं होता है, एक्सप्लेन उतना मैं नहीं करते चलता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक तरह से रिवीजन क्लास है। ओके, रिवीजन। बिहार में लग्नी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है विवाह के अवसर पर। ओके, नेक्स्ट है, पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब से किया जाता है? ये 1971 से पटना पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है, 1971 से। गोपाष्टमी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है खगड़िया में। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? टोटल 38। ओके, बिहार विधानसभा की कुल तो 243 सीटों में कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो ये है 2 सीटें। ओके, एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं। सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये ज्येष्ठ आषाढ़ में लगता है, ये मेला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीपीएससी और बिहार एसएससी दोनों एग्जाम के लिए। सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये लगता है पश्चिम चंपारण में। ओके, गया का पितृपक्ष मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये आश्विन में लगता है, और ये निरंजना नदी में जो है ये लगता है निरंजना फल्गु, ठीक है, फल्गु का ही प्राचीन नाम है निरंजना। इसके बाद है, जितिया का पर्व बिहार में किस दिन मनाया जाता है? आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी। ये सब देखिए, ये जो है दिन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है दिन। जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुनावाजी बिहार के किस जिले में स्थित है?
ये है नवादा में, ओके ये नवादा में है। मुख्यमंत्री महादलित रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में किस वित्तीय वर्ष में की गई, ये किया गया था 2012-13 में, ओके। गोलघर का निर्माण कब कराया गया, गोलघर का निर्माण 1785 में किया गया था, ओके। बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, ये किया था मजहरुल हक ने, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, मजहरुल हक बने थे। कुलाधिपति कौन बने थे ये कमेंट में बताइए, कई बार मैं बता चुका हूँ। मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है, शाह दौलत, ओके शाह दौलत का। बिहार हॉकी संघ का गठन कब किया गया था, बिहार हॉकी संघ का गठन किया गया था 1986 में, 1986 में। मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है, यह है राजगीर में, ओके राजगीर। कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार, देखिए एक तो ये पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कल्हण के द्वारा लिखा गया है। अब कमेंट में ये बताइए कि बिल्हण के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक कौन सा है, उस पुस्तक का नाम बताइए, बिल्हण ने किस पुस्तक की रचना की। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था कि कल्हण की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था, तो ये था शैव धर्म का, ओके शैव। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है, ये है ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार। सर्वप्रथम बिहार का विजय, बिहार पर विजय प्राप्त, विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के अलग अलग एग्जाम में, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इतना भी नाम देता है बख्तियार खिलजी, ओके। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है, ये मिला है मनेर ताम्रपत्र से, ओके मनेर ताम्रपत्र से। पटना के पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था परवेज ने, ओके परवेज। इसके बाद है बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोप समिति के संयोजक कौन बनाए गए, ये श्री कृष्ण बाबू, ओके श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। इसका गठन हुआ था मार्च 1929 में, 1929। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1950, 1950 में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यह समस्तीपुर, 96.54%। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है, ये तो राजगीर में है। बिहार राज्य की पश्चिम सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है, तो पश्चिम में यूपी है ये जानते हैं, पूरब में है वेस्ट बंगाल, उत्तर में है नेपाल और दक्षिण में है झारखंड, ओके झारखंड। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, ओके। बिहार राज्य की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना कौन है, यह है सोन कैनाल एरिया प्रोजेक्ट, सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है, यह है गया, गया सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में से प्राप्त होता है, 22.9%, ओके 22.9%। उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्येन मित्रा साक्षरता, सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया, इसका सही आंसर होगा मुजफ्फरपुर। सर्वहितैषी समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सर्वहितैषी ये पटना से होता था ये। द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, 1918 में। बिहार राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं, तो 13, 38 जिले हैं, 38, जिसमें 13 ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य देश के साथ या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए अगर इन 13 का आप नाम बता देते हैं ये 13 डिस्ट्रिक्ट का कमेंट में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ओके। बिहार राज्य के कितने प्रतिशत धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है, 90%, ओके। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है बिहार में, तो ये है जलोढ़ मिट्टी। मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये है ईशान, ओके ईशान। माघी मेले का प्रारंभ कब से हुआ, माघी मेले का प्रारंभ 1881 से हुआ है, ओके। संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1992 में, 1992 में। महावीर स्वामी का संबंध किस संघ से था, भज्जी संघ।
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देखिए ये लेटेस्ट डेटा नहीं है, लेटेस्ट डेटा नहीं है, फिर भी इसका सही जो आंसर है वो 4595। ओके, जेबियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा किस जिले में स्थापित है? यह है पटना में। ओके पटना। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई है? यह हुई है 1950 में, 1950 में। बिहार राज्य में किस प्रकार के वनों को शामिल नहीं किया गया है? सदाबहार वन बिहार में नहीं है। प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान किस जिले में स्थित है? यह है वैशाली में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वैशाली। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? यह हुआ है पटना में इसकी स्थापना। बिहार में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 2006 ईस्वी में शुरू की गई है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट राज्य के किस जिले में स्थित है? यह है पटना में। ओके पटना में। बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? यह होता है रोहतास। ओके रोहतास में। राज्य फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है भागलपुर। ओके भागलपुर में। चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई? देखिए एक तो ये पूछा जाएगा कि चंद्रभारी संग्रहालय कहाँ पे है, तो यह है दरभंगा में, इसकी स्थापना 1957 में हुई। सिमरतल्ला आवासीय विद्यालय की स्थापना किस विद्यालय की तर्ज पे की गई है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तर्ज पे इसकी स्थापना की गई है। गांधी संग्रहालय राज्य के किस जिले में है? यह है पटना में। ओके पटना में। तो सिर्फ मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ते चल रहा हूँ, चूंकि समय बहुत ही कम है, तो ये चूंकि हमारा एक तरह से रिविजन क्लास है बिहार जीके का। बिहार राज्य में ग्रामीण जीविका मिशन की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 2013 में। ओके अप्रैल 2013 में। राज्य में निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं सीएम, मुख्यमंत्री। राज्य टेक्सटाइल निगम की स्थापना कब की गई थी? 1970 में, 1970। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? अथर्ववेद में। ओके बिहार संगीत नाटक अकादमी द्वारा भिखारी ठाकुर वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 1999 को भिखारी ठाकुर वर्ष घोषित किया गया था। ओके पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। इसके बाद है बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके 22 मार्च। बुद्ध की शिष्या बनने वाली मगध के शासक बिंबिसार की पत्नी कौन थी? ये थी छेमा। ओके छेमा। राज्य में ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50%। ओके 50%। बिहार सरकार के द्वारा शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना की शुरुआत कब की गई? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, 27 सितंबर 2016 को, 27 सितंबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। पर्यटन विभाग बिहार सरकार ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? टोटल 8। ये कौन कौन से हैं जगह का अगर नाम बता देते हैं तो अच्छी बात है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू किया था? 8 मार्च 2011 को, ये नहीं पूछा जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन योजना का गठन कब किया है? ये किया है 2014 में। ओके बिहार सरकार ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की? 2 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। बिहार सरकार ने किस वर्ष बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम लागू किया? वर्ष 2006 में। 2006 में राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 को कानून का दर्जा कब दिया गया? 17 फरवरी 1962 को, 1962। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कहाँ पे है ये आपको बताना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? VVI। ओके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जयप्रकाश नारायण। इसकी स्थापना कब की गई थी? चलिए कमेंट में बताइए। देखिए कमेंट में आप लोग डायरेक्टली आंसर बता देते हैं तो मुझे भी पता नहीं चलता है क्या आपने लिखा है। अगर आप ऐसे लिखते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी के की स्थापना इतना में, ओके तो ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा पता चलता है। और बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है अलग अलग वीडियो का, तो उसमें भी नहीं पता चलता है कि आपने किस वीडियो का कमेंट किया है, तो थोड़ा सा अगर लिख करके कमेंट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है।
मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई कर के रूप में उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/5 से 1/3, मतलब 1/5 भाग भी लिया जाता था या 1/3 भाग इतना लिया जाता था। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार SSC के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यह, 31। बिहार में प्राप्त पहले द्विभाषी अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यह है शेरशाह से। ओके, शेरशाह। इसके बाद है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1991 में। ओके, बिहार से प्राप्त पाषाण उपकरण किस प्रकार के हैं? आशुलियन के। ओके, ये सब खैर उतना नहीं पूछा जाता है। चाणक्य पुरस्कार किस विद्या के लिए दिया जाता है? राजनीति शास्त्र के लिए। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा फ्रांस के सहयोग से किस स्थान पर पनबिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है श्रीखिंडा में। ओके, श्रीखिंडा। बुध के गृह त्याग की घटना किस दिन हुई थी? महाविनिष्क्रमण, ये हुआ था आषाढ़ पूर्णिमा में। ओके, आषाढ़। खरीफ विपणन मौसम 2016-17 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य साधारण किस्म के धान के लिए कैसे प्रति क्विंटल की दर से अधिप्राप्ति की जा रही है? ये नहीं पूछा जाएगा। ओके, ये तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अभी जो है ये इसका रेट ज़्यादा है। बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कहाँ किया जा रहा है? घोड़ा कटोरा, राजगीर में। ओके, इसके बाद है बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है? ये पटना में है। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सौराठ, मधुबनी में। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 को कब लागू किया गया? 5 जून 2016 को। ओके, ये था हमारा नवा पार्ट, 900 हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन। इसके बाद अभी और 1100 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, तो वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसमें, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ता चल रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है और रिवीजन हम लोगों को कर लेना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। तो आप यदि इस करंट अफेयर को परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।